अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उमैरा और आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बारबेक्यू रायते की। बहुत फेमस रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे किसी भी चीज़ के साथ ट्राई करें। बाज़ार में आप जब बाज़ार में बाहर खाना खाने जाते हैं तो आपको बारबेक्यूज के साथ बेहतरीन सा रायता मिलता है। ये उसी रायते की मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा फेसबुक पेज है सॉल्ट एंड टिप्स, उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैंने एक पाव दही ली है और ये मैंने फ्रेश दही ली है, बलाई वाली दही ली है। आप भी अगर फ्रेश दही से ये बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है बारबेक्यू रायता। अगर आपके पास फ्रेश दही अवेलेबल नहीं है तो आप पैकेट की दही ले सकते हैं। ठीक है, एक खाने का चम्मच मैं इसमें ले रही हूँ। ये देखें, लहसुन का पाउडर है, ये एक खाने का चम्मच है, इसमें ऐड करूंगी। दही को पहले अच्छी तरह से फेंट लूंगी, मैंने फेंट लिया दही को, अब मैंने लहसुन का पाउडर डाला है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन आप अदरक का पेस्ट नहीं डालिएगा। बारबेक्यू रायते का टेस्ट ही लहसुन के पाउडर से ज़्यादा एनहांस होता है। एक खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ जीरा लिया मैंने, इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार ये रायता बनता है, बारबेक्यू रायता है। आप इसे मलाई बोटी के साथ, रोस्ट के साथ, किसी चीज़ का भी खा सकते हैं। आप बाहर होटल में जाते हैं, आपको रायते बड़े बेहतरीन रायते मज़ेदार मिलते हैं। स्पेशली जो आप मलाई बोटी रोल खाते हैं, जिंगर रोल खाते हैं, ये बहुत से रोल आजकल आ रहे हैं मार्केट में, बनाए जाते हैं होटल पे, उसमें स्पेशली यही वाला रायता यूज़ होता है। आप इसे घर में बनाएं और इन्जॉय करें। देखिए, एक खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। अच्छा, मैं ये आपको रेशो एक पाव दही के बता रही हूँ। अगर आप आधा किलो दही लेते हैं तो आप इसमें इसके मसालों की तादाद बढ़ा सकते हैं। एक खाने का चम्मच मैं इसमें चिकन पाउडर ले रही हूँ। और आधा चाय का चम्मच मैं ले रही हूँ जर्दे का रंग। ये इसमें मैं जैसा ज़्यादा इसलिए डालूंगी क्योंकि दही में थोड़ा सा इसका कलर देर से आता है, इसलिए मैं इसमें जैसा जर्दे का रंग डाल रही हूँ। नमक ले रही हूँ मैं हसबे जायका, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। देखें इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया। अच्छा, आप जितना इसको अच्छा फेंटेंगे ये उतना अच्छा तैयार होगा। बहुत झटपट सा है, आराम से बन जाता है, लेकिन बहुत मज़ेदार बनता है। एक सीक्रेट रेसिपी, आप गेस्ट आएँ घर में बनाएं, वो आपसे पूछेंगे कि आपने ये रायता कैसे तैयार किया है। इसको ज़रूर आप ट्राई करें अपने घर में। ये देखें, झटपट सी रेसिपी है, फौरन बन गई है। अब हम जो अपना बारबेक्यू रायता है उसे डिश आउट करते हैं। ये देखें व्यूज, हमने अपना बारबेक्यू रायता डिश आउट कर लिया। आप इसकी थिकनेस देखें, कितनी अच्छी इसकी थिकनेस है, और आप मसाले देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई करें, मैं आपसे कह रही हूँ बार बार कि ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत अच्छा बनता है और बहुत यमी लगता है। बारबेक्यू रायते की बहुत फेमस रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे किसी भी चीज़ के साथ ट्राई करें बाज़ार में।